हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमारा डैशबोर्ड तो कंप्लीट हो गया था एंड अब हम एडमिन के होम पेज पे आ चुके हैं। हमें अब एक लॉगआउट का ऑप्शन देना है, ठीक है? तो एक लॉगआउट का हम यहाँ पे लिंक बना देंगे राइट हैंड साइड पे। तो जहाँ पे हमने टॉगल बटन बनाया था वहीं पे आते हैं, या तो हम साइड बार में बना सकते हैं, साइड बार में नीचे एक लिंक दे दें एंड, या तो फिर एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ राइट कॉर्नर में फ्लोट राइट करके एक लिंक बना देते हैं। तो एडमिन अंडरस्कोर बेस को मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने बटन कहाँ पे बनाया था। तो ये था हमारा टॉगल बटन। तो इसी के ऊपर जाके, ठीक है, जहाँ बटन बनाया था उसके ऊपर जाके मैं एक हाइपर लिंक क्रिएट कर देता हूँ, एंकर टैग HREF एंड यहाँ पे हमने दे दिया URL। ठीक है, URL के अंदर हम लॉगआउट का जो भी हमारा URL का नाम होगा वो दे देंगे। अभी हमने बनाया नहीं है, इसको हम बना लेंगे एंड एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल मतलब जब माउस लेके जाएं तो लॉगआउट लिखा हुआ है। अगर आइकॉन यूज़ कर रहे हैं तो टाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज तो आई थिंक देने की ज़रूरत नहीं है, देना चाहें तो दे भी सकते हैं। मैंने लिखा लॉगआउट, जब माउस लेके जाएंगे उस लिंक पे तो लॉगआउट डिस्प्ले होगा, ठीक है? बट टेक्स्ट भी हम लॉगआउट रख देते हैं, अगर आप चाहें तो आइकॉन भी रख सकते हैं। आइकॉन के लिए आप फोंटोसम की क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो हम टेक्स्ट रख के देखते हैं एंड इसका क्लास दे देते हैं, ठीक है? इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ। जैसे अगर मैं फ्लोट राइट नहीं करूँगा, मैंने इसका टेक्स्ट वाइट कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो पहले तो मुझे इसका फंक्शन मैं बना लेता हूँ, views.py में जाता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ लॉगआउट का। तो डिफाइन एंड फंक्शन का नाम लॉगआउट, ठीक है? जो फंक्शन का नाम आप दोगे उसमें एल कैपिटल आप बना लेना, क्योंकि लॉगआउट नाम का एक पहले से बना हुआ फंक्शन भी होता है जो जिसका एल जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है? तो हमने जो फंक्शन बनाया उसका एल कैपिटल रख दिया एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लॉगआउट को कॉल कर दिया। इससे क्या होगा कि जो सेशन के अंदर डेटा स्टोर हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? सेशन एक्सपायर हो जाएगा एंड आप रीडायरेक्ट करवा दोगे कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे। ओके, नाउ अब मुझे इसका URL पैटर्न देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका URL पैटर्न बता देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा लॉगआउट एंड फंक्शन का जो नाम दिया था मैंने वो भी लॉगआउट था, बट L को मैंने कैपिटल रखा था, ठीक है? एंड नाम भी मैं इसका रख देता हूँ लॉगआउट। ठीक है, तो अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये लॉगआउट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, राइट शिफ्ट कर देता हूँ। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए मुझे फ्लोट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोट राइट। ओके, तो आप देखो ये राइट साइड पे इस तरीके से आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगआउट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक स्लेश लगा देता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है
तो यहाँ पे हम स्लेश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लॉग आउट हो गया और इंडेक्स पेज पे आप रिडायरेक्ट होगा। फिर से मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल। आप चाहें तो यहाँ पे आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं लॉग आउट का। ओके, सो फ्रेंड्स, लॉग आउट का हमने पूरा फंक्शन वगैरह फंक्शनैलिटी पूरी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं आगे का कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।